ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज टीवी, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें। नमस्कार, स्वागत है आपका एवन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा चौरसिया और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम। अक्षय कुमार का संदेश भरे मनोरंजन का सफर जारी है। अभी हाल ही में उनकी फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा आई थी, जो स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ी थी, और अब वो अपनी अगली फिल्म पैडमैन लेकर आए हैं। बता दें कि पैडमैन असली कहानी पर आधारित फिल्म है और एक शख्स के संघर्ष को दिखाती है, जिसने अपने मजबूत इरादों से महिलाओं की जिंदगी को आसान बनाने का काम किया है। अक्षय पर्दे पर अरुणाचलम का किरदार निभा रहे हैं, तो आइए जानते हैं क्या है इस फिल्म की कहानी और कौन है ये अरुणाचलम, कैसे उन्होंने महिलाओं की जिंदगी को आसान बनाया है। देखिए एवन न्यूज की खास रिपोर्ट। अमेरिका के पास सुपरमैन है, बैटमैन है, स्पाइडरमैन है, इंडिया के पास पैडमैन है। अपने मजाकिया अंदाज में अक्षय कुमार पैडमैन में सस्ते सैनिटरी पैड बनाने वाले अरुणाचलम मुरुगनाथम का किरदार निभा रहे हैं, जिन्होंने अपने मजबूत इरादों से महिलाओं की जिंदगी को आसान बनाने का काम किया। इस फिल्म में राधिका आप्टे उनकी पत्नी बनी है और अभिनेत्री सोनम कपूर भी विशेष भूमिका में नजर आएंगी। बता दें कि पैडमैन को आर बाल्की ने डायरेक्ट किया है और इस फिल्म की प्रोड्यूसर अक्षय कुमार की पत्नी ट्विंकल खन्ना। पैडमैन से फिल्म निर्माण क्षेत्र में कदम रखने वाली अभिनेत्री और लेखिका ट्विंकल खन्ना की ये फिल्म अरुणाचलम मुरुगनाथम के जीवन पर आधारित है, जो भारत में कम कीमत की सैनिटरी नैपकिन निर्माण मशीन के आविष्कारक है। ट्विंकल खन्ना का कहना है कि उन्हें आशा है कि फिल्म उस चीज पर रोशनी डालेगी जो लंबे अरसे से अंधेरे में छिपी थी। ट्विंकल से जब दर्शकों को फिल्म से मिलने वाले संदेश के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि अगर कुछ और नहीं तो कम से कम इतना उम्मीद कर रही हूँ कि घरों के अंदर इस पर बातचीत होनी शुरू होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्षय कुमार ने अरुणाचलम और उनकी वाइफ से खुद जाकर मुलाकात भी की थी। इस दौरान उनके साथ बतौर फिल्म की प्रोड्यूसर और अक्षय कुमार की वाइफ ट्विंकल खन्ना भी मौजूद थी। अरुणाचलम का जन्म 1962 में तमिलनाडु के कोयम्बटूर में हुआ। पिता का निधन सड़क हादसे में होने की वजह से उन्हें अपना बचपन गरीबी में गुजारना पड़ा। माँ खेतों में काम करके गुजारा चलाती थी। 14 साल की उम्र में उनका स्कूल भी छूट गया। 1998 में अरुणाचलम की शादी शांति से हुई। एक दिन उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी पीरियड्स के दौरान गंदे कपड़े और अखबार का इस्तेमाल करती है, क्योंकि सैनिटरी पैड महंगे आते थे। बस इसके बाद अरुणाचलम इस समस्या से निपटने के लिए जुट गए। अरुणाचलम ने सबसे पहले कॉटन का इस्तेमाल करके पैड बनाना शुरू कर दिया। उनकी पत्नी और बहन ने अरुणाचलम का साथ देने से भी साफ इनकार कर दिया। जब उन्हें इस काम के लिए कोई वॉलंटियर भी नहीं मिली, तो उन्होंने सैनिटरी पैड का परीक्षण खुद पर ही करना शुरू कर दिया। हालांकि गांव के लोगों ने उनका विरोध किया। अरुणाचलम को ये बात जानने में 2 साल 3 महीने लग गए और फिर उन्हें पता चला कि कमर्शियल पैड सेल्यूलोज से बने होते हैं और इसे बनाने वाली मशीन बहुत महंगी थी, इसलिए उन्होंने खुद मशीन बनाने का इरादा बनाया और 65,000 रुपए की मशीन तैयार कर दी। उन्होंने इसका इस्तेमाल पैड बनाने के लिए किया। उन्होंने देश के ग्रामीण एरिया में रहने वाली महिलाओं में पीरियड्स के दौरान अपनाए जाने वाले पारंपरिक और अनहाइजीनिक तरीकों के प्रति अवेयर करने का काम भी किया। अरुणाचलम के इस प्रयोग को दुनिया भर में पहचाना गया। उनकी बातचीत, जिसका टाइटल मैंने कैसे सैनिटरी नैपकिन आंदोलन की शुरुआत की, को मोस्ट इंस्पायरिंग और आई ओपनिंग टॉक में से माना गया है। उनसे कई अन्य उद्यमियों ने भी प्रेरणा ली। उनकी ये मिनी मशीन 29 में से 23 राज्यों में लगाई गई है और ये पैड बाजार में मिलने वाले सैनिटरी पैड की एक तिहाई कीमत पर ले जाते हैं। बता दें कि वे अपने इस प्रोजेक्ट को 106 देशों तक ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 न्यूज। अरुणाचलम दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल है, जिसके लिए उन्हें 2016 में भारत सरकार ने
पद्मश्री से सम्मानित भी किया है। बता दें कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर ट्विंकल खन्ना ने इससे पहले अपनी किताब द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद में भी पैडमैन का जिक्र किया था। फिलहाल मेरे इस प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहे एवन न्यूज। नमस्कार। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें एवन न्यूज टीवी, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें।